भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के बयान को कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता चाहे लाख नजरअंदाज करें, लेकिन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा है कि वो विपक्षी पार्टियों और खासकर मोदी को गंभीरता से लेते हैं। प्रधानमंत्री ने माना कि आगामी लोकसभा चुनावों में मोदी एक गंभीर चुनौती है। क्या मोदी से डर गए हैं पीएम? क्या चुनावों से पहले ही हार मान चुके हैं मनमोहन? जी हाँ, ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि अक्सर मोदी को नजरअंदाज करने की बात करने वाली कांग्रेस अब बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को बेहद गंभीरता से ले रही है। गौर करने लायक बात यह है कि ये कबूलनामा किसी और ने नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री ने किया है। हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में एक सवाल के जवाब में मनमोहन सिंह ने कहा कि वो विपक्ष को बहुत गंभीरता से लेते हैं। As a organized political party, we cannot underestimate the power of opposition to unsettle the ship of the state. Therefore, I am one of those who take very seriously our opponents. There is no room for complacency. PM का ये बयान इस मायने में भी काबिल-ए-गौर है क्योंकि उनकी कैबिनेट के कई मंत्री मोदी की चुनौती को खारिज कर चुके हैं। उन्हें आम चुनावों में जीत की उम्मीद है, लेकिन प्रधानमंत्री अभी से विधानसभा चुनावों में जीत हार से चिंतित है। द कांग्रेस पार्टी इज गोइंग टू द इलेक्शन विद द स्पिरिट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड दैट शुड नॉट बी मिस्टेकन व्हाटएवर मे बी द आउटकम ऑफ प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शन। मनमोहन सिंह ने सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल को वोट बटोरने का शिकुफा मानने से भी इनकार किया है। Our effort has been to create an environment where officials would have the responsibility to look after the law and order situation as effectively as is humanly possible. And plus also if riots cannot be prevented, there should be adequate compensation for the victims of the riots. बहरहाल कम्युनल वायलेंस बिल को लेकर प्रधानमंत्री जो सफाई दें, लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर मोदी अपनी चिट्ठी में कई सवाल उठा चुके हैं। जाहिर है मोदी यहाँ भी खुद को 20 साबित करने में जुटे हैं। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।